नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्ध टूट के चैनल पर आप सबका एक बार फिर से। इतना करते ही वह दौड़ा चला आएगा, बहुत ही छोटा सा उपाय है। अगर आपका प्रेमी या प्रेमिका बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, तो आप परेशान होकर के चाहते होंगे कि रिश्ता ख़त्म कर दें। ऐसे में एक बहुत ही छोटा सा उपाय आप कर लीजिए और फिर ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, रुक सकता है। आपका वो प्रेमी हो सकता है या प्रेमिका आपकी हो सकती है। क्या करना है? अगर रूठ गए हैं तब भी कर सकते हैं, दूरियां बनी हैं तब भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने प्रेम को अपने जीवन में लाने के लिए ये उपाय ज़रूर ट्राई करें। कैसे करना है सब कुछ जानेंगे, उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों को, ताकि वो भी इसे करके अपना प्यार, अपनी पत्नी, अपना पति अपने जीवन में हमेशा के लिए बना लें। देखिए, जब भी प्यार होता है किसी दो ही लोग में, तो वो दोनों लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित होने चाहिए। लेकिन आज का जो टाइम है, इस टाइम में लोग समर्पित नहीं होते, बल्कि हिसाब किताब करने लगते हैं। और ऐसा मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलता हूँ। तो अगर हिसाब किताब चल रहा है तो प्रेम तो नहीं रह गया, वो तो बिजनेस हो गया। और बिजनेस जो है अब वो लाभ के दायरे में चलता है, हानि के दायरे में नहीं चलता। यानी जब तक मुझे आपकी चीज़ें पसंद आएंगी, तब तक आप मेरे साथ रह पाएंगे, ऐसा मैं अलाउ करूँगा। और जब मुझे आपकी चीज़ें पसंद आनी बंद हो गई, तो हम आपको अपने पास रहने नहीं देंगे। ये एक स्थिति बनती है और ऐसा लोग करते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि हम किसी और की प्रति आकर्षित हो गए और जो हमारा अपना है उसको हम छोड़ करके आगे निकल जाते हैं। और यही करते हैं वो लोग जिनके चक्कर में पड़ करके आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो क्या करिए, आपको यहाँ एक फ़ोटो दिखाई जा रही, इस तरह की कोई भी फ़ोटो ले लीजिए जिसमें दो पक्षी हों, खास तौर से हंस का जोड़ा हो। हंस का जोड़ा हो, दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह किए हो, और बेहतर होगा कि उनकी चोंच आपस में मिली हुई हो। ऐसा एक आपको फ़ोटो लेना है। उस फोटो में एक फ़ोटो के पीछे, फ़ोटो पलट दीजिए, एक ही फ़ोटो में दोनों चीज़ें बनी हैं, माने हंस और हंस का जोड़ा, जो दूसरा रहेगा पार्टनर उसका, दोनों बने हैं। तो आप फ़ोटो को पलटिए और एक तरफ अपना नाम लिखिए और दूसरी तरफ अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लिखिए। इसके बाद इस फोटो को अपने बेड के आसपास कहीं पर भी चिपका दीजिए। अब क्योंकि नाम पीछे लिखा है, इसलिए किसी को पता तो चल रहा नहीं कि क्या लिखा है। तो आप नाम पीछे लिखें और इसको अपने दीवार पर चिपका दें। दीवार पूरब या उत्तर की होनी चाहिए, बेहतर होगा आपके सिरहाने की तरफ हो और आपकी आँखों की तरफ, यानी जिस तरफ आप करवट लेके सोते हैं, तो आपके करवट की तरफ आ जाए, तो आप उसे देख सकें। ऐसा आपको बना के रखना चाहिए। तो ये करिए, पैर की तरफ नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। सिर की तरफ इतना ऊंचा या ऐसे नहीं लगाना कि आपको दिखाई ना पड़े। फ़ोटो ऐसी जगह लगानी है जहां आपको दिखाई पड़े। अब सुनने में बड़ा अजीब सा या बहुत ही हल्का फुल्का सा उपाय महसूस हो रहा है, लेकिन आप इसे करिए। और अगर आपको करते इसका फ़ायदा मिलने लगेगा, तो आप खुद ही आके कॉमेंट भी करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे करें और करके कमेंट आप करके बताइए कि आपको इसका क्या लाभ मिल गया। अगर गुस्से में हैं, अगर दोनों लोग गुस्से में एक दूसरे से दूर दूर रह रहे हैं, तब भी प्रयोग करें, गुस्सा शांत होगा और प्रेम बढ़ेगा। अगर एक ही छत के नीचे रह रहे हैं और तभी स्थिति बनी हुई है कि दोनों में बातचीत नहीं होती है, या बहुत लंबे समय से पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का संबंध नहीं है, तब भी यह उपाय करने पर आपको तुरंत लाभ देता है, करके देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।